हेलो, सलाम अलैकुम जी। हेलो, सलाम अलैकुम जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब, कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से? मेरी जान, इस वक्त यूरोप का और ओवरसीज का टाइम है। अगर आपने 11 से 1 बजे तक ट्राई करते रहे, आपको नहीं मिला, तो फिर मेरी बात मैं आपकी सुन लेता हूँ। प्रोजेस्टेरॉन का लगवा दिया, प्रोजेस्टेरॉन लगवाया, और साथ उसके 5 ग्राम का भी लगाया, वो भी साथ, दोनों एक कॉम्बिनेशन है। जब प्रोजेस्टेरॉन का लगाना है, साथ 5 ग्राम का भी लगा दें, ठीक है? और ये 3 दिन, 3 दिन लगाएं, बिल्कुल ठीक रहेगी इंशाल्लाह। 3 दिन लगाएं प्रोजेस्टेरॉन और साथ 5 ग्राम का। और ये सरसों का तेल जो है, ये वो मैं दे रहा था, तो कुछ दोस्तों ने और डॉक्टर साहब ने बोला कि तुम ये बंद कर दो, ये गर्म तसीर इतनी गर्म होती है, नहीं, ये ये बंद कर दो। नहीं, सरसों का तेल गरम नहीं होता, वो अलसी का तेल है या तिल का तेल है। और ये गर्मियों में बल्कि दिया जाता है, 400 ml तक आप दे सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 2 दफा दें। हफ्ते में 2 दफा दें, हाँ, 2 दफा। कोई और चीज मिक्स करते हैं आप? वंडा और वंडे को भी ठंडा कर देता हूँ यार, उसमें थोड़ा सा ना आपने निटाफास या डीसीपी पाउडर, निटाफास ले आए 100 ग्राम, उसके अंदर वंडे में मिक्स करके वो दे दिया करें। निटाफास 100 ग्राम वंडे में ही मिक्स करके रोजाना दे दिया करें। और सरसों का तेल बिल्कुल आप आराम से दे सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 2 दफा दें, ठीक है? और इसको पानी, और वाफर ताज़ा पानी दें, और अगर हो सके तो इसको ग्लूकोज पानी में मिला के वो भी पिला दें। नहीं, को नहीं, वो वैसे ठंडा करने के लिए रखने के लिए, कोई बात नहीं। वैसे आप अगर देना ही है तो इसको कच्ची लस्सी बना के पिला दें। भैंस है ना कि गाय है? गाय है। हाँ, तो गाय फ्रीजियन है, क्रॉस है, क्रॉस है। इसको ठंडी चीजें दें यार, कच्ची लस्सी वगैरह, और या तरोड़ बना के वो पिलाएं इसको। वो जो मसलन ये लस्सी है ना, उसके अंदर धारे मारे, धारे मार के और वो फुटकियां फुटकियां बन जाती हैं, वो भी और समेत उसके पानी के वो पिला दें इनको, उसको। और वो बड़ा ठंडी तासीर है, वो करें बिस्मिल्लाह करके, ठीक रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है? और जो अगर सरसों का तेल देना भी पड़े तो पानी मिला दिया करें, पानी मिला के, पानी में मिला के पिला दें। हाँ, कोई मसला नहीं है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। उन्वान है, मस्जिद में आने जाने की फजीलत। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जो शख्स जिस वक्त भी सुबह या शाम को मस्जिद जाता है, तो जितनी दफ़ा भी वो सुबह या शाम को जाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार कराता है। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। फ़ीमा अल्लाह।
इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे ग्रामी है, जुल्म से बचो क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन तारीकियों का बायस होगा, और बुखल से बचो क्योंकि बुखल ने उन लोगों को हलाक कर दिया जो तुमसे पहले थे। उसने उन्हें इस बात पर आमादा किया कि उन्होंने एक दूसरे का खून बहाया और हराम चीज़ों को हलाल समझा। ये मैं मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। फ़ीमल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पर डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से राबता करें। शुक्रिया।